ये है बीपी चार्जिंग सर्किट। मान लीजिए ये आपका ड्राइविंग कैब है और ये नॉन ड्राइविंग कैब है। तो ड्राइविंग कैब में इनलेट आउटलेट का खुला हुआ रहेगा और नॉन ड्राइविंग कैब में बंद रहेगा, खास करके आउटलेट कॉक तो बंद रहेगा। अभी MR4 का प्रेशर ये रास्ता से आया, ये रास्ता से आके A9 रिड्यूसिंग वाल्व में गया और ये जो MR4 का प्रेशर है 8.5 से 10 kg प्रेशर A9 रिड्यूसिंग वाल्व का अंदर में ये 5 kg/cm² में रिड्यूस हो जाएगा। वो प्रेशर अभी ये आउटलेट कॉक के जरिए MU2B में आएगा। MU2B का पोर्ट नंबर 3 और 13 कनेक्टेड होगा, उसका बाद में C2 रिले वाल्व फॉर BP चार्जिंग में आ जाएगा। तो इसका सेटिंग का थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। ये फिर क्या करेगा, ये जो MR3 का प्रेशर है, MR3 का प्रेशर को लेगा, एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व होते हुए ये प्रेशर इधर में आएगा और ये जो गेट है इसको नीचे की ओर प्रेस करेगा। ये गेट यहाँ पर आके लॉक हो जाएगा और ये प्रेशर इधर से आके, यदि आपका LT कॉक खुला है तो ये आपका मैंने BP पाइपलाइन में 5 kg/cm² चार्ज हो जाएगा। यह है BP चार्जिंग। आप जब ड्रॉप करेंगे, मान लीजिए 1 kg प्रेशर आपने A9 हैंडल से ड्रॉप किया, तो ये पाइपलाइन से 1 kg प्रेशर C2 रिले वाल्व का ये एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाएगा और जो ऑपरेटिंग प्रेशर है ये ऑपरेटिंग प्रेशर A9 हैंडल का जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये है A9 हैंडल का एग्जॉस्ट पोर्ट, ये एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखा, BP चार्ज होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले MR प्रेशर 8.5 से 10 kg/cm² तक होना चाहिए। नॉन ड्राइविंग कैब में कॉक बंद होना चाहिए, ड्राइविंग कैब में कॉक खुला होना चाहिए और सभी कैब में A9 हैंडल रिलीज पोजीशन में होना चाहिए और MU2B लीड में होना चाहिए। यदि मल्टी लोको है तो लीडिंग लोको में लीड में रहेगा और ट्रेलिंग लोको में ट्रेल में रहेगा और LT कॉक नॉर्मल होना चाहिए। ये यदि मल्टीपल लोको है तो लीडिंग लोको में LT कॉक खुला रहेगा और ट्रेलिंग लोको में LT कॉक बंद रहेगा।